जी का फोन। हेलो सुधीर, अब जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनना। जी बोलिए। मैं उस पत्रकार के घर गया था, माधव, अविनाश और अयूब के सुसाइड का केस उसी ने कवर किया है। पता लगा कि वो इस केस के बारे में कितना गहराई से जानता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कौन उससे मिलता है। 24 घंटे उस पर नजर रखो, 24/7। और हाँ, उसकी एक एक गतिविधि के बारे में मुझे पता लगना चाहिए, समझे तुम? ठीक है सर, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं उस पर पूरी नजर रखूंगा। गुड। दो ही नंबर है। हेलो, आपसे फौरन मिलना है, आप अभी आ सकते हैं? जिस सबूत की बात कर रहा था वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, आपको सबूत देना बहुत जरूरी है। कहाँ मिलना है? काली घाट के पीछे जो दुर्गा माता का मंदिर है उसके पास वाले खंडर में। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ, प्लीज जरा जल्दी आइए। ओके, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चे, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। जब भी तुम मुझे याद करोगे, अपने सुपर हीरो की तरह याद करोगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे पापा ने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं कि तुम्हारे पापा डरपोक थे। तुम जब भी अपने पापा को याद करोगे, वो एक सच्चाई की तरफ से लड़ने वाले एक सच्चे इंसान थे। आप आधी रात को तैयार होकर कहां जा रहे हैं? मैं तुम्हें नहीं बता सकता सुधा। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी खातिर और क्रिश के खातिर आप कभी कोई खतरनाक काम नहीं करेंगे, और आप बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। सुधा प्लीज, मुझे आज मत रोको, वरना मैं कभी भी क्रिश से नजर नहीं मिला पाऊंगा, ना खुद से। माधव, लेकिन मेरी बात तो सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं वो तो बताइए। माधव, अरे you
गाड़ी रोको। ये तो माधव है, ये इतनी रात को कहां जा रहा है? ये इतनी रात में क्या कर रहा है यहां पर? माधव जी, ये माधव इतनी रात में किससे बात कर रहा है? ये इतनी रात में किससे मिलने आया है? आप मोहन हैं? जी हाँ, मैं ही मोहन। मैं आपको कुछ सौंपना चाहता हूँ। मेरी जान को बहुत खतरा है। लोगों ने मिलकर अविनाश को मारा है। ये किसे मिल रहा है? कर अभी जाकर पता करता हूँ कि माजरा क्या है। सर रुकिए, सर आप कहाँ जा रहे हैं? सर सर उधर जाना खतरे से खाली नहीं है। सर आप यहीं रुके, मैं जाके देखता हूँ। साहब तुम? साहब मैं आपका आदमी हूँ। साहब आप टेंशन मत लीजिए, सर आपका उधर जाना बहुत खतरा है। सर ठीक है, तुम जाओ लेकिन जल्दी वापस आना, और वहां पर क्या बातें हुई, क्या डिस्कस हुआ, मुझे एक एक बात बताना। बिल्कुल साहब। जाओ। इतने सालों से मैं छिपकर फिर रहा था क्योंकि मेरी जान खतरे में थी, पर अब सच को बाहर आ जाना चाहिए। और मुझे मालूम है कि अविनाश को इंसाफ आप ही दिलवा सकते हैं। मुझे हर टाइम ऐसे लोगों की शक्लें दिखाई देती है जिन्हें मैंने कभी पहले देखा ही नहीं। क्रिस, तुम जानते हो उन लोगों को? जानता तो नहीं, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन्हें पहचानता हूँ। उसने पेंटिंग बनाई। इसका मतलब क्रिश झूठ नहीं बोल रहा था। क्रिश अविनाश है और अविनाश क्रिश है। अविनाश के मौत से जो कहानी अधूरी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए अविनाश ने क्रिश के रूप में जन्म लिया है, ये सच है। ये अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इसको तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था। ये सब चल क्या रहा है? मुझ तक तो पहुंच जाएंगे, पर उससे पहले आप वादा कीजिए कि आप अविनाश को इंसाफ दिलाएंगे। आपको अविनाश को इंसाफ दिलवाना पड़ेगा, प्लीज वादा कीजिए। माधव जी वादा कीजिए। मेरे पति की रक्षा करना।
वादा कीजिए मुझसे, आप अविनाश को न्याय दिलवाएंगे। प्लीज वादा कीजिए मुझसे। मोहन आप रखिए इसे, इसकी जरूरत है आपको। जो सच सारी दुनिया के सामने आ जाना चाहिए वो इसमें मिलेगा। ये तो मोहन है, ये अभी तक जिंदा है? अब तक कहां छुप के बैठा था ये? इसे तो हम सालों से खोज रहे थे। ये यहां माधव से मिलने आया है, मतलब जरूर कोई बात है। ये दोनों कुछ बड़ा करने की फिराक में लगते हैं। और वो लोग बहुत खतरनाक है, ऊपर तक पहुंचे उनकी। आज तक तो मैं बचता रहा हूं, पर कब उनके हाथ लग जाऊंगा क्या पता। आपको ये सबूत देने के बाद मैं चैन की सांस ले सकता हूं। अब एक संतोष है मुझमें कि अविनाश को इंसाफ मिल जाएगा। पर आपको ये सबूत देने के बाद मेरे साथ क्या होगा, अब मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। पर अविनाश को इंसाफ मिलना चाहिए। आप अविनाश को इंसाफ दिलवाना। हाँ माधव जी, निकले आप। सुधीर, पहले ये आर्टिकल और अब ये मीटिंग, जरूर इनके हाथ कोई पक्का सुराग लग गया है। मुझे फौरन विक्रांत जी को बताना पड़ेगा। सुधा, 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 दरवाजा खोलो सुधा। सुधा कौन है? सुधा मैं माधव, दरवाजा खोलो जल्दी। माधव? हाँ माधव, क्या बात है, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हमें अभी के भी यहाँ से निकलना है, जल्दी चलो सुधा। कहाँ, लेकिन क्यों? कोई सवाल मत पूछो, हमें बहुत जल्दी यहाँ से निकलना है। तुम चलो यहाँ से सुधा, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं। माधव हमें बहुत जल्दी यहाँ से निकलना है। ये सब क्या कर रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? माधव मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताइए हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सुधा मैं तुम्हें और क्रिश को तुम्हारे बहन के पास छोड़ूंगा, वहाँ तुम लोग सुरक्षित रहोगे, और उसके बाद मैं बाद में वहाँ आता हूँ, ठीक है? लेकिन बहन के पास? हाँ। लेकिन वहाँ क्यों जा रहे हैं हम? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ तो बताइए। इस सारे सवालों के जवाब मैं बाद में देता हूँ। माधव प्लीज मुझे कुछ तो बताइए, मेरा जी घबरा रहा है। घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, चलो जल्दी। लेकिन क्यों? माधव, माधव मेरी बात सुनिए, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मेरे बेटे। क्यों उठा रहे हो उसे? बेटा क्रिश, माधव कहाँ लेके जा रहे? उठ बेटा, चलो बेटा हमें यहाँ से निकलना है। बेटा मैं आपको सब बताता हूँ, चलो तू। पापा बेटा खड़े हो जाओ, चलो बताऊंगा मैं, अभी यहाँ से निकलो फटाफट। चलो बेटा क्रिश, कहाँ जा रहे हो? चलो चलो बेटा। माधव सुधा मैं सब बताऊंगा, अभी चलो यहाँ से। चलो बेटा चलो बेटा चलो। लेकिन सुधा चलो जल्दी, पहले मैं सब बताऊंगा, यहाँ से पहले निकलो। शक तो मुझे पहले से ही था, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि उस माधु पर नजर रखो। सर हमने नजर रखी थी सर, लेकिन हमारा पूरा ध्यान क्रिश पे था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसका बाप माधव ऐसी हरकत करेगा। तो तुम क्या चाहते हो? कि उसका बाप मेरी कंपनी को डुबाए और मैं उसकी आरती उतारू? सर अरे शट अप, आखिर तुम मेरा भरोसा कब जीतोगे? 8 साल हो गए, 8 साल, लेकिन तुम उस मोहन को नहीं ढूंढ पाए, और अब तुम मेरे को बोलो कि वो कहीं से भी प्रकट होता है और मेरे खिलाफ सबूत देता है, और तुम हाथ पे हाथ रखे बैठे हो। आज फिर से मेरी कंपनी एक मुसीबत में आके खड़ी हो गई है।
इतने सालों में जो मैंने काम और मुकाम बनाया सब खराब हो गया तुम्हारी वजह से। सुधीर, विक्रांत ऐसा होने नहीं देगा। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने ये काम एक ऐसे आदमी को सौंपा है जो मुझे कभी निराश नहीं करेगा। और बहुत जल्द वो आता, लो वो आ गया। He's right behind you. Welcome, Rudra. आपने बुलाया सर। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना रुद्र। समझ गए? तो इसे एक बात तो साफ है कि उस माधव रिपोर्टर को हमारे खिलाफ सबूत उस मोहन ने दिए है, और मोहन जो है विक्रांत के पंजे में फंस चुका है, और विक्रांत के पंजे में जो फंसता है उसका मतलब साफ होता है। अब मोहन और माधव दोनों को मरना होगा। कैसी मौत देना चाहेंगे आप? हजारों तरीके हैं मेरे पास। नाइस रोहित। खत्म कर दो दोनों को। हो जाएगा सर।